कैसे है भैया? देखते देखते अभी हमारे आँख के सामने दो पैकेट खत्म हो गया है और एक पैकेट में 6 बर्गर होता है। कितना बर्गर? 8 बर्गर कढ़ाई में। इस कढ़ाई में हर बर्गर में 1 मिनट लगता है बनाने में, 8 बर्गर में 8 मिनट लगता है। अच्छा, तो कितना धरिए वही बात है? नहीं, अगर एक 3 बर्गर लगेगा तो 3 मिनट लगेगा। हाँ, 5 बर्गर तो 5 मिनट लगेगा। अच्छा, ऐसा 1 मिनट इच। हाँ, ये तैयार हो गया। हाँ, ये चाउमीन है, ये दर्शक के डिमांड पे नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ के लोग पूछते हैं, यहाँ का लोग पूछते हैं तो हम डाल देते हैं। अच्छा, इसमें ग्राहक को खुशी, क्या जिसमें ग्राहक को खुशी उसमें आपका खुशी चलता रहता है। तो ये इनका बर्गर है हाथ में तैयार, ऊपर चीज रखा हुआ है, सॉस अंदर रखा हुआ है। भाई साहब चाउमीन बनाने में लग गए। चाउमीन भी 25 का प्लेट, अब फुल कितना का? फुल 45 का है, 25 का। हाँ, 45 और 25। भर दिन में कितना प्लेट बेच लेते होंगे? 4 किलो, अभी लॉकडाउन में 5 किलो बिकता था, अभी 4 किलो बिकता है। लॉकडाउन में 5 किलो कच्चा चाउमीन 4 किलो। अच्छा अच्छा, अब बर्गर क्या पैकेट चल जाता है, उड़ जाता है? लॉकडाउन से पहले तो 25 पैकेट लगता था, अब 17-18। ऐसा क्या है लॉकडाउन में ज़्यादा इसमें कम? इधर उधर हो गया। अच्छा अच्छा, और कुछ शहर छोड़ गए होंगे या कुछ शहर से बाहर चले गए होंगे? बाहर भी चले गए हैं, बाहर से भी। इनका चाउमीन भी डिमांडिंग में रहता है, एक प्लेट आप हमको चाउमीन भी खिला दीजिएगा, समझे? इसमें तो नहीं होगा मेरा, हो जाएगा। अच्छा, पहले बर्गर से नहीं खा लेते हैं। आपका नाम भैया क्या हो गया? हमारा नाम मिथुन महतो हो गया। मिथुन महतो, केएफसी और डोमिनोज के सामने लगाते हैं। जब कभी भी आप मुजफ्फरपुर आए और 0 माइल के तरफ अखाड़ा घाट पढ़ेंगे तो केएफसी और डोमिनोज मुजफ्फरपुर में अखाड़ा घाट में एक ही बना है अभी, केएफसी आसानी से उपलब्ध है। शाम को कितने बजे आ जाते हैं आप? शाम को 4:30 से 5 बजे तक आ जाते हैं। 4:30 से 5 और रात को 10 बजे? हाँ, 10 बजे तो याद है हमको, 10:30 तक हम खा के गए हुए हैं। हमारे ख्याल से बहुत कम मात्रा में बचता होगा। कभी कभार। चलिए दोस्तों, अब बर्गर खा के बताते हैं। हमेशा की तरह वही स्वाद है, वही सारा चीज। मिथुन जी के हाथ में कमाल है, कमाल का स्वाद छुपा हुआ है। तो मेरे लिए आप चाउमीन बना दीजिए एकदम बढ़िया से तड़का मार के। मीठा खाइएगा नॉर्मल? हमको तो नॉर्मल ही दीजिएगा। हाँ, एकदम मस्ती में मिर्चाई काटे हैं। इतना जल्दी नहीं करेंगे तो ग्राहक भेजेगा कि मरीज आदमी बना रहा हो। फुर्तीला होना होता है। रखना, नाम क्या है इसका? फास्ट रहना पड़ता है। ऐसा क्या है साहब, सारा रेट एक जैसा? इससे क्या टेंशन नहीं रहता है जब कस्टमर आता है तब, क्या ऑर्डर जितना का आ जाए
हाफ और फुल का दाम लेके जोड़ देते हैं। ज़्यादा बनाने पर ध्यान रहता है ना। ये मेरा चाउमीन तैयार हो रहा है, एक बार फिर आप सबको पता बोल देते हैं, आप आइएगा खड़ा घाट के तरफ जब भी मुजफ्फरपुर आए, और शाम के वक्त आप मुजफ्फरपुर में हो तो यहाँ जरूर आइएगा। KFC और डोमिनोज पिज्जा के सामने मिथुन जी अपना दुकान लगाते हैं, कनक फास्ट फूड ना एकदम। और ये इनका सेटअप है, तो कह रहे थे कि सवेरे आइएगा, ज़्यादा ग्राहक होता है। अभी रात का समय है, खाली वक्त में जानबूझ कर मैं आया, शाम को 4:30 से 10:30 गर्मी के टाइम में 11 बजे। ये हो गया मेरा फास्ट फूड चाउमीन बनके तैयार, उसमें जो लाएगा सॉस और ठीक है हो गया। थैंक यू दोस्तों, ये है मिथुन जी का चाउमीन, देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा है। 25 रुपये का चाउमीन है, इसके सामने बड़े बड़े रेस्टोरेंट का चाउमीन फेल हो जाता है, और स्वाद में भी हिट होता है। मज़ा आ गया। मिथुन जी चाउमीन और बर्गर के लिए बड़े फेमस है इस इलाके के, और जो भी लोग इनके हाथ का खाते हैं, अगर ये नहीं होते हैं इनके डेरा पर जाकर जगा जगा कर खाते हैं कि भैया आप हमारे लिए बर्गर बनाइए और चाउमीन बनाइए। ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और J1 को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग मिथुन जी का बर्गर और चाउमीन ज़रूर चखिएगा जब कभी मुजफ्फरपुर आइएगा तो।